अब मैं आप लोगों के सामने रविवार को भी आऊंगा, आना शुरू कर दिया हूं। न जाने क्यों आपके सामने अपनी बातों को रखना अब अच्छा लगने लगा है। अब जो चीज़ अच्छा लगने लगे उसका परित्याग कैसे करूं? तो कोशिश तो ये है कि उसको कैसे दैनिक में शामिल करूं। अभी हफ्ते में अब 2 बार आऊँगा आपके सामने। तो अभी शुक्रवार को वीडियो आया था और फिर आज अब रविवार को आएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आई और अच्छा लगता है। अगर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया आए ना तो मज़ा आता है। लेकिन दोनों की शालीनता होनी चाहिए और शालीनता के साथ ही आई। पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मानवता शर्मसार होती है। इस शब्द से ठेस पहुंची किसी की भावना को। उन्होंने कहा यह शायद न्याय संगत और उचित शब्द नहीं था, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग अच्छा कार्य भी तो कर रहे हैं। हम बोले बिल्कुल उनको नमन है, पर मानवता लाल बत्ती पे खड़े भिखारियों को, अगर भिखारी बच्चे खड़े हैं लाल बत्ती पे, तो मानवता तो शर्मसार है ना। क्या गुनाह कह रहा हूं मैं? आप सोच के देखिए, लाल बत्ती पे रुके हैं 20, 19, 18, 17 बत्ती की गिनतियों को गिना करते हैं। बगल में कोई पेन बेच रहा है, कोई कुत्ते गर्दन हिलाने वाला, कोई कुत्ता बेच रहा है, कोई कोई खिलौना बेच रहा है, कुछ मूंगफली बेच रहा है, कोई कोई शनि महाराज का कमंडल लेके आपके आगे खड़ा हो जाएगा। और सब बच्चे ही हैं, अमूमन बच्चे हैं। और उसके बाद भी मतलब मानवता शर्मसार ना हो और इस शब्द का प्रयोग भी ना हो। खैर, हर किसी को अपनी बात को रखने का हक है, तो उन्होंने भी रखा और मैं भी उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि अभी आज ही मैं किसी से बात कर रहा था और इसी वीडियो के संदर्भ में कर रहा था, जो पिछले जो अभी शुक्रवार को आया, कि वो आप बहुत अच्छे हितैषी हैं। जो भी मुझे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, मेरे अभिन्न हैं। लेकिन ये एक अच्छा विवाद निकल कर आता है जो कहीं ना कहीं समाज में हमें सोचने पे मजबूर करता है। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हों। बेशक आप मेरे राय से वाकिफ हों ना हों, पर नज़रअंदाज नहीं करें न हों। तो मैं ऐसी ही समस्याओं को आपके सामने ला के रखता हूँ, और जो वाकई मतलब हैं, जो हमारे द्वारा जिनका समाधान हो सकता है। आप आपक बोल रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बोल रहे थे माफ़ी चाहूँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बोल रहे थे सारे बच्चों को ऐसे 15 साल के लिए लेने के लिए और ऐसे वैसी बात। हम बोले हाँ, तो गलत क्या है? कितने सारे लोग हैं? मतलब कुछ तो आएंगे, और सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो बहुत कुछ हो जाएगा। सब घर से एक ही दिया जला था, शहर रोशन हो गया था। कोविड का वो दौर याद कीजिए, एक ही दिया तो हमने जलाया था अपने घर से और पूरा शहर रोशन हो गया था। तो प्रयास तो हर कोई कर सकता है थोड़ा थोड़ा। अब विशाल परिवर्तन नजर आएगा, अवश्यम भावी है, आना है। भटकता बचपन कभी भी किसी उज्जवल राष्ट्र का नींव नहीं हो सकता। अब मैं बोलूंगा, अनवरत बोलूंगा, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि मैं उस पे खुद कितना खड़ा उतरता हूं, इसीलिए आपके समक्ष बोलने की हिम्मत भी कर पाता हूं।
हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं, उनके माध्यम से भी जुड़ूंगा आपके साथ। पर आपके सहयोग के बिना नहीं। आपसे तो दावा है मेरा, 3 महीने मेरे लगातार कुछ यूं ही देख लीजिए, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। आज मैं कई लोगों से पूछता हूँ, मेरा चूंकि दिल्ली का अनुभव 1 दशक का है, तो मैं पूछता हूँ कि आप जो बहुत बड़े हो गए दिल्ली में ही, जिनका जन्म हुआ बड़े हो गए, मैं बोला आप कभी लाल बत्ती वगैरह से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके ज़माने में भी रेड लाइट पे लोग मांगने वाले होंगे, तो बोले हाँ होते थे। अब आपने गौर किया है कि अगर आपके शीशे बंद हों तो उस पर दस्तक होने लगा है, शीशे पर दस्तक देकर भीख मांगते हैं। वो शीशा टूट जाए उससे पहले हमें जागना होगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, एक दिन तो कह नहीं सकता, हफ्ते में 2 दिन आऊँगा आपके साथ, आपका बनकर 3 महीने सुनिए ज़रूर, कुछ यूं ही, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। प्रणाम।